ये तस्वीर है, आप देखिए कि किस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए फिर से एक बार, फिर से यहाँ पर ये प्रदर्शन और ये हालात है, ऐसा ना हो और फिर वही हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार टीयर गैस सेल छोड़े जा रहे हैं। और उरी माचले हो जाओ, उरी माचले ¡Gracias!
जिसका डर था वही हालात। पुलिस ने जो अपने बैरिकेड्स लगाए थे, पुलिस वही है। हरियाणा की तरफ से ये सेल छोड़े गए हैं और एक बार फिर से ये प्रदर्शनकारी एक बार फिर से यहाँ पर आगे आए हैं और लग रहा है कि ये जो गतिरोध है यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर हालात अब बेकाबू हो रहे हैं और सबसे बड़ा हुआ है। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो एक बार आगे बढ़े। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये देखिए फिर से एक बार फिर से यहाँ पर ये प्रदर्शन और ये हालात है। ऐसा ना हो और फिर वही हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार टीयर गैस सेल छोड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो किसानों का गतिरोध था, अर्थात 2020 की भी मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूं, तब भी हम यहां पर मौजूद थे लेकिन तब इतना संग्राम यहां पर नहीं हुआ था। कहा जा सकता है कि इस समय पुलिस गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं और कहाँ से ये गोले दागे जा रहे हैं तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि पुलिस जिसमें सीआरपीएफ शामिल है, रैपिड एक्शन फोर्स शामिल है और हरियाणा पुलिस के जवान शामिल है, बीएफ